नमस्कार, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझसे कहते हो कि मैडम आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनती हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा दीजिए। कोई कहती है मैडम मुझे एनाटॉमी पढ़वा दीजिए। किसी का कुछ डिमांड होता है, किसी का कुछ डिमांड होता है। तो चलो, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलो बेटा, मैं समझाने की प्रयास करूँगी। सब लोगों का डिमांड तो मैं फुलफिल नहीं कर सकती। तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि उनका किस भाग में मैडम आपका मेलानिन होता है, रंग होता है जो उनका, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, वो उनके किस पार्ट से होता है। आप लोगों की कई सारी क्वेरी है और उस क्वेरी को मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको पूरा करूं। तो चलो, आज मैं ऊल पर ऊन से संबंधित जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसी से संबंधित मैं कुछ प्रश्नों को पूछती हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ऊन का विमितीय स्थायित्व होता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बताओ क्या होता है? डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम होता है या ज़्यादा होता है? विमितीय स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है। कम क्यों होता है? आप ऊनी कपड़ा अक्सर देखते होंगे, तो जब पहली बार धुलाई करते हैं तो ऊनी का कपड़ा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है ना थोड़ा सा। लेकिन जब दो बार, चार बार, आठ बार, दस बार आप धुलाई कर लेते हो और उसको फैला देते हो किसी अलगनी पर या कहीं ऐसे चीज़ों पर टांग देते हो, तो आप देखोगे वहाँ से धीरे 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 कपड़ा फैलने लगता है ऊनी का। तो उसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, कम होती है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होती है, इसलिए देखते हो ना ढीला हो जाता है ऊनी कपड़ा, क्योंकि ऊनी के रेशों में ही डायमेंशनल स्टेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो कम होता है। अच्छा, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, निम्न में से किस रेशा का विमितीय स्थायित्व सबसे कम होता है? किसका सबसे कम होता है? कपास का, लिनन का, जूट का या ऊन का? लिनन, कपास, जूट, ऊन, इनमें से किसका विमितीय स्थायित्व सबसे कम होता है? अभी मैंने बताया है ऊन का सबसे कम होता है। अस्थायित्व मतलब क्या होता है? जो जिस रूप में हो उसी रूप में ज़्यादा समय तक रहे, ज़्यादा दिनों तक रहे। ऊन क्या है, अपने रूप से काफ़ी धुलाई उलाई करने के दौरान वो बदल जाता है, और इसी कारण ऊनी का कपड़ा देखते हो ना कई बार बहुत ढीला हो जाता है, पहनने में फैल जाता है। उसको अगर पहले बार कपड़ा धोते हो तो सिकुड़ जाता है। और ऊनी कपड़ा सुखाने का एक तरीका ये होता है कि पहले हम अखबार में किसी चीज़ में उसका हम ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, और फिर जब हम उसको सुखाते हैं तो उस तरह से उसको फैला करके सुखाते हैं, ताकि उसका जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। सिकुड़ने का इसमें स्वभाव होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन रेशों में फेल्टिंग का गुण होता है? फेल्टिंग मैंने कई बार पढ़ाया है, फेल्टिंग होता क्या है ये मैंने कई बार बताया है, तो आज उससे संबंधित केवल प्रश्न पूछ रही हूँ। निम्न में से किन रेशों में फेल्टिंग का गुण होता है? ऊन में, रेशम में, रेयन में या कपास में? करेक्ट आंसर आपका है ऊनी रेशा। ऊनी रेशा में सलके होती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो सलके जो होती हैं इंटरलॉक हो जाती हैं, एक दूसरे से फंस जाती हैं। आप देखते हो ना, बाल भी नहीं झाड़ते हैं, या आप भेड़ का कभी बाल देखो तो नीचे की ओर एक दूसरे से गुथे हुए से रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, क्योंकि उनमें सलके होती हैं, उलझ जाती हैं ताप और दाब के कारण। जब एक टेम्परेचर उसको देते हैं
प्रेशर देते हैं, घर्षण होता है, तो उस दौरान जो उनकी सलके हैं, उनकी जो आउटर लेयर में जो सलके हैं, स्केल्स हैं, वो सारे फूल जाते हैं। फूलने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसीलिए नन्हे नन्हे रेशों से, ऊनी के नन्हे नन्हे रेशों से, छोटे छोटे रेशों से निम्न कोटि का वस्त्र तैयार किया जाता है। निम्न कोटि जैसे दरिया बना सकते हैं, कंबल बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, कपड़ा सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके एक दूसरे में जम जाता है। कई बार देखते हो ना साधु बाबा का जटा, जटा क्या होता है, एक बाल एक दूसरे से बिल्कुल उलझ जाते हैं। तो वो भी क्या है, उनका बाल ही तो है। वो अपने बाल और उनके बाल में अंतर होता है, अपने बाल से ऊन नहीं बनता है क्योंकि अपने में स्कल्स नहीं होते, क्वालिटी नहीं होता है। पर उनके बालों में जो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बालों में क्वालिटी होती है, स्कल्स होते हैं उसके अंदर, और वो फंस जाते हैं एक दूसरे से उलझ करके और फिर आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से उनसे वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। ऊनी रेशों में फेल्टिंग का गुण इसलिए भी होता। अच्छा, ऊनी रेशों, एक चीज़ और बता दूँ, ऊन के जो बाल होते हैं जिससे हम भेड़ के जो बाल होते हैं जिससे हम ऊन तैयार करते हैं, तो उसके ग्रीज निकलता है। ऊन के शरीर से जो ग्रीज निकला, जो तेल निकला है ना, सफाई के दौरान, ये प्रोसेस मैं बता दूंगी कि इस प्रकार से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान जो उसका ग्रीज होता है, जो ऑयल होता है, उसको भी फेंकते नहीं हैं, बल्कि सौंदर्य प्रसाधन में उसका उपयोग किया जाता है, जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। सौंदर्य प्रसाधन में जो लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, वो उस सौंदर्य प्रसाधन को उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है, ऊन के लिए हानिकारक है, ऊनी रेशों के लिए हानिकारक होता है गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। क्या है करेक्ट आंसर? ऊनी रेशों के लिए हानिकारक होता है गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही नुकसानदायक होता है। पहले भी आप जानते होंगे कि ऊनी वस्त्रों को कभी भी घटिया किस्म के साबुन से या घटिया किस्म के सर्फ से नहीं साफ किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो वो ऊनी रेशे को क्षति पहुंचाता है, ऊनी रेशे कड़क हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किसी के लायक नहीं रहते हैं। तो छार तो है ही। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल से यद्यपि ऊनी रेशों को तैयार करते समय इसका काम में लिया जाता है, लेकिन जब गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, है ना, कौन सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, तो रेशों को नुकसान पहुंचाएगा, ये पक्का मान लो। इसलिए कभी भी अगर ऊनी कपड़ों में कोई दाग पड़ गया हो, जिसको छुड़ाना ज़रूरी होता है, तो हम साबुन सर्फ से नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि हल्का जो छार है, बोरेक्स या अमोनिया, इसके घोल से उसको हम छुड़ाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। कभी भी हम साबुन से उसको नहीं छुड़ाते हैं, अगर छुड़ाएंगे तो हार्म करेगा। इसी प्रकार से गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल भी उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन भी अक्सर आ सकता है एग्जाम में, क्या ऊन में एलर्जिक प्रतिक्रिया पाई जाती है? क्या ऊन में एलर्जिक प्रतिक्रिया पाई जाती है, हाँ या नहीं? पाई जाती है। कुछ कुछ लोगों को ऊनी, जो प्योर ऊनी वस्त्र होता है, उनको पहनने पर उनके स्किन में खुजली सी मचती है, एलर्जी होता है उनको ऊनी रेशों से। सब में नहीं होता है, ये उनका एक विचित्र अवगुण ही है, जिसका स्किन सेंसिटिव होता है। जैसे मेरा बेटा है, ऊनी वस्त्र ज़्यादा नहीं पहन पाता वो, जैसे ही ऊनी वस्त्र उसको देते हैं पहनने के लिए, उसके शरीर में खुजली मचने लगती है और वो उसको उतार के फेंक देता है। तो इसी तरह से बहुत लोगों में नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों में, रेयर लोगों में ये प्रतिक्रिया होती है और उनमें ये एक अवगुण है, इसलिए इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है, सफ़ेद ऊनी वस्त्रों पर सफ़ेदी लाने के लिए उपयोग किया जाता है तीव्र जेवल वाटर का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। जो आप जानते हैं कि निरंतर प्रयोग में लाने से वस्त्र पीले पड़ जाते हैं, उसकी साबुन के एक फिल्म तैयार हो जाता है, तो उसमें सफ़ेदी लाने के लिए हम ऊन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं।
हल्का ब्लीच का उपयोग करते हैं, तीव्र ब्लीच का उपयोग नहीं किया जाता है। जेवेल वाटर जिसको हम अक्सर ब्लीच करने के काम में लेते हैं, जैसे कपास का वस्त्र है तो उसमें हम ले सकते हैं, लिनन का वस्त्र है उसमें लेते हैं जेवेल वाटर का, इसमें उन्हीं वस्त्रों को ब्लीच करने में नहीं लेते हैं। अगर हम लेते हैं, अगर काम में गलती से ले लोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। और उन्हीं वस्त्रों को क्षार से नुकसान पहुँचता याद करो। मुझे इसलिए भी पक्की बात हो गई कि मेरी माँ बचपन में बताती थी कि उनके ससुर मतलब मेरे दादाजी ने उनको कहा कि बहू कंबल जो है बहुत गंदा हो गया है, तुम धो देना। मेरी माँ क्या करी उस ज़माने में उनको पता नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा सा तसला लिया, उसमें पानी भरा, उसमें सोडा डाल दिया, उसमें उनको एक कंबल डाल दी। सोचिए अच्छा साफ करके दे देंगे। अब जब कंबल निकाला उन्होंने, प्योर उनका कंबल होगा उनका, जब धोने लगी तो सारे के सारे कंबल बिल्कुल अलग हो गए। शाम के टाइम में दादाजी ने पूछा, बहू कंबल धो के दे दिया, सूख गया तो मुझे दे दे, सर्दी लग रहा है। अब माँ बोले तो बोले क्या, आज के ज़माने की तरह थी नहीं उस ज़माने की, अब तो शर्मा गई। बोली बाबूजी, हमने जो आपके कंबल धोने के लिए दिया था, हमने सोडा में खोलाया और वो सारे के सारे कंबल फट गए। उनको जानकारी नहीं था। आज हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कितना सही बात है कि जब कभी भी ऊनी वस्त्रों को कभी भी सोडा से या छार से या गर्म कर पानी में डाल देते हैं सोडा के साथ, तो उसकी रेशे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ऊन का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा होता है या कम होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व पानी से ज़्यादा होता है या कम होता है या पानी के बराबर होता है? ऊनी वस्त्र देखो अक्सर पानी में डूब जाता है, तो डूब जाने के मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व ज़्यादा है, पानी का एक होता है, और जो वस्त्र उसमें डूब जाए, याद रखना कंसेप्ट है, जैसे कॉटन का कपड़ा डूब जाता है पानी में, डूबता है कि नहीं डूबता है, लिनन का कपड़ा डूब जाता है, जूट का कपड़ा डूब जाता है, ऊनी कपड़ा डूब जाता है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व ज़्यादा है, तभी पानी में वो डूब रहा है, और जिसकी कम है वो पानी में तैरने लगेगा। जैसे आप देखो प्लास्टिक पानी में तैरने लगता है, कांट पानी में डूबता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। समुद्र में इतने सारे पॉलिथीन फेंक दिए जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, तैरते तैरते ऊपर आ जाता है। ओलिफिन की सबसे कम होती है विशिष्ट गुरुत्व, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, है ना। पानी का एक होता है और ऊन का विशिष्ट गुरुत्व 1.32 होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ऊनी रेशों में कपास की तुलना में प्रतिस्कंदता रिजिलियंसी कम होती है ज़्यादा होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता मैंने बताया हुआ है। प्रतिस्कंदता का मतलब ये होता है कि जब हम रेशों को कुचल देते हैं, ऐसे दबा देते हैं, खूब ऐंठ देते हैं, इसके बावजूद भी वो जब उसको छोड़ देते हैं तो कुछ घंटों के दौरान या कोई एक दो दिन के बाद भी वो रेशा बिल्कुल वैसे ही अलग अलग हो जाता है, तो उसी कहलाती है प्रतिस्कंदता रिजिलियंसी। कितना भी उसको दबा दो, कुचल दो और फिर उनको अगर छोड़ दो, तो जब वो अपने पूर्वाकृति को पहले जैसी आकृति को प्राप्त कर लेता है तो वो होता है क्या, ऊनी। इसीलिए ऊनी वस्त्रों को जैसे शॉल हो या स्वेटर हो या आपके पुलोवर हो, उसको किसी भी तरीके से रख दो और छोड़ दोगे दबाने के पश्चात, तो उसमें रेजिलियंसी की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। और वहीं कपास सूती वस्त्र जो प्योर होता है वो तुड़ मुड़ जाता है, इसलिए उसको बार बार प्रेस करना पड़ता है। जो प्योर कॉटन का वस्त्र होता है एक दो बार के पहनने के पश्चात ही वो ख़राब हो जाता है, एक धुलाई में बिल्कुल तुड़ मुड़ जाता है जो प्योर रहता है सो, और फिर उसको प्रेस करना ही पड़ता है तभी वो पहनने योग्य बनता है और तभी उसको पहन करके बाहर जा सकते हो। अब एक बच्ची ने जो मुझसे पूछा था, ऊनी रेशों के किस परत में मेलानिन रंग पाया जाता है ना, रंग के दाने किस में पाए जाते हैं,
मतलब वर्णक किस में मिलता है, तो ऊनी रेशों के मध्य परत जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं उसमें ही रंग के पर जो दाने हैं वो मिलते हैं, मेलानिन उसमें ही मिलता है। इसी कारण कोई ऊन का रंग मध्यम होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई बहुत तेज रंग का होता है, इसके मध्य परत में ही। और मध्य परत में एक और गुण होता है इलास्टिसिटी का, कपास ये सॉरी जो आपके ऊन के मध्य परत है उसमें ही सबसे ज़्यादा आपको इलास्टिसिटी का गुण देखने को मिलता है। इसी कारण ऊनी रेशा अपने मूल लंबाई से 30 गुना तक फैल जाता है, इलास्टिक होता है इलास्टिसिटी के कारण। और इसी परत में शक्ति और मजबूती होती है, लचीलापन की भी जो व्यवस्था इसी में पाया जाता है। एक और प्रश्न लास्ट में पूछती हूँ, आप ही को पकड़ इसका जवाब आप देना। भेड़ों के बाल नीचे की तरफ आपस में फंसे और सटे रहते हैं, जिनमें प्राकृतिक तैलीय पदार्थ एवं अशुद्धियाँ रहती हैं, उस ऊन को क्या ऊन कहते हैं, किस ऊन के नाम से जाना जाता है? ग्रीज ऊन, वेदर ऊन, वर्जिन ऊन या वर्स्टेड ऊन? भेड़ों के बाल, सुन ध्यान से, भेड़ों के बाल नीचे की तरफ आपस में फंसे और सटे हुए रहते हैं, जिनमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ और तैलीय पदार्थ पाए जाता है, जिस ऊन को कहते हैं उस ऊन का नाम क्या है, इस ऊन का नाम आपको बताना है। एक क्वेश्चन और बता आपसे पूछती हूँ, इसका जवाब आपको देना है, ढूंढ के दोगे मुझे बताओगे। टूटे फूटे तथा बदरंग ऊन को कहते हैं, टूटे फूटे तथा बदरंग ऊन को हम क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। चलो अब इतना ही बताऊंगी क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, मैं कॉलेज पहुंच रही हूँ, लेट हो जाऊंगी बेटा, तब तक मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।